भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर लगातार तीसरे दिन कांग्रेस और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। नड्डा ने फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर सोनिया से 10 सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सोनिया जी को ये कहना चाहता हूं कि कोरोना या चीन की स्थिति की वजह से सवालों से बचने की कोशिश न करें। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,10,692 से ज्यादा हो गई है। उधर सरकार ने डेक्सामेथासोन दवा को कोरोना के इलाज के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस दवा का इस्तेमाल सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होगी उन्हें यह दवा दी जाएगी। ईडी की एक टीम ने शनिवार को स्टर्लिंग बायोटेक फार्मा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल से पूछताछ की। ईडी ने यह पूछताछ पटेल के दिल्ली में उनके घर पर ही की। 2017 में गुजरात के स्टर्लिंग बायोटेक फार्मा कंपनी पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। इस कंपनी के प्रमोटर चेतन और नितिन संदेसरा हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में आर्मी और पुलिस ने नार्को टेरर रैकेट का खुलासा किया है। दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13.5 किलो ड्रग्स बरामद की गई है। इसकी कीमत 65 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। दो पिस्टल और 4 ग्रेनेड भी मिले हैं। इस रैकेट के जरिए आतंकियों को हथियार सप्लाई और आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही थी। आंध्र प्रदेश में कुरनूल जिले के नंगाल शहर में SPY एग्रोकेमिकल फैक्ट्री में शनिवार सुबह अमोनिया गैस लीक होने से एक मैनेजर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 मजदूरों की तबीयत खराब हुई है, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने शुक्रवार को सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे कर दिए। पेट्रोल के दाम 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, अब ये 100 रुपए प्रति लीटर हो गया है। डीजल 21 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, अब यह 101 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कैरोसिन ऑयल भी 24 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया इस वक्त महामारी और झूठी खबरों के दो कांटों वाले हमले से जूझ रही है। आज हम बदलाव के मोड़ पर खड़े हैं। महामारी ने दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद कर दिया, साथ ही 40,000 लोगों की जान ले ली। इसने हमारे रहने, काम करने, ट्रेवल करने के तरीकों और एक दूसरे के साथ रिश्तों पर भी असर डाला है। करण जौहर ने मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी मामी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वे इस फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य थे। रिपोर्ट्स की माने तो आरोपों से परेशान होकर करण ने मामी की डायरेक्टर स्मृति किरण को इस्तीफा मेल किया है।